हेलो डियर फ्रेंड्स आज हम मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं थोड़ा सा नया सब्जेक्ट कुछ लोगों के लिए होगा तो थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका सब्जेक्ट का पहले मेरा इंट्रोडक्शन मेरा नाम प्रमोद मिटकरी आई हैव डन बीएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम फोगसन कॉलेज पुणे आफ्टर दैट इल बी फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी एंड देन सी

लॉजिकल रीजनिंग 40 बीस साठ हो गए और 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स है इसमें से पहला जो पार्ट है मैथमेटिक्स वो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको <coughs> अब ये पेपर का जो आपका नेचर रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं हर एक क्वेश्चन को चार ऑप्शंस रहते हैं और आपको आंसर शीट अलग से दी जाती है उसमें क्वेश्चन नंबर वन और चार गोल दिए रहते हैं उसमें से जो आपको आंसर सही रहता है उसको काला करना है तो दैट इज अ वे यू सॉल्व आपको प्रैक्टिकली जब हम टेस्ट सीरीज लेंगे या फिर यूनिट टेस्ट भी लेंगे तो दैट इज ऑल्सो ऑन पार विद द इंस्टीट्यूट तो उसमें आपको लाइव पता चलेगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस आएगा कि टाइप एग्जाम कैसी होती है नाउ ऑब्जेक्ट टाइप होने से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं अब टोटल जो है सौ क्वेश्चन आएंगे और टाइम रहेगा आपके पास टू आवर्स तो टू आवर्स यानी एक सौ बीस मिनट डिवाइडेड बाय सौ करेंगे तो वन पॉइंट टू यानी रफली सवा सव मिनट से भी थोड़ा सा कम वन पॉइंट टू मिनट तो अपन एक ही मिनट मान के चलते हैं उसको कि थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर तो जाता ही है तो नॉर्मल आपको एक्चुअली टाइम मिलता है पर प्रॉब्लम एवरेज में वन मिनट दैट डज़ नॉट मीन की एवरी प्रॉब्लम यू मस्ट भी एबल टू सॉल्व इन वन मिनट कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि जब देख के आपको टिक लगानी है तो कुछ में तो एक सेकंड दो सेकंद ही तीन सेकंद ही टाइम लगेगा जितना गोला बनाने को समय लगता है उतना ही अब कुछ में चार मिनट पाँच मिनट भी लग सकते हैं तो ये एवरेज टाइम है इसलिए पेपर सॉल्व करते समय आपको बाद में हम देखेंगे जैसे टेस्ट सीरीज़ आपकी होगी तो हम आपको और इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई कैसे किस तरह से करना है तो वो बाद में देखते हैं तो पहले हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसमें इंस्टीट्यूट के मटल में आप देखेंगे तो सात या आठ चैप्टर है मैंने उसको अलग अलग डिवाइड किया है पंद्रह चैप्टर में वो समझने में और आ, आसानी होती है और उस थोड़ा क्लासीफाई किया तो उसका टेस्ट वगैरह लेना उसके हिसाब से यानी सिलेबस इज वन एंड सेम थिंग नहीं तो आप बोलेंगे उधर मटेरियल में इंस्टीट्यूट के तो सात चैप्टर है आपने यहाँ से पंद्रह कहाँ से निकाले तो जैसे कि पहला चैप्टर इंस्टीट्यूट का जो है उस उसमें तीन पार्ट है एक है इंडासेस एक है लॉगैर्दम और एक है रेशियो प्रोपोर्शन उसमें पहला पार्ट है रेशियो प्रोपोर्शन फिर सेकंड पार्ट है इंडाइसिस फिर थर्ड पार्ट है लॉगैर्दम तो ये तीनों को मिला के उन्होंने एक चैप्टर बोला इस तीनों को मैंने तीन चैप्टर बोले इस तरह से मेरे पंद्रह हो गए बाकी सिलेबस से सेम है एग्जैक्टली सेम जितना उन्होंने किया है उतना ही मैंने किया हुआ है अभी आपको एक सबसे अच्छी बात यह है हमारे सी इंस्टीट्यूट में कि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है तो इस टाइप का कैलकुलेटर आप खरीदिए जो छोटा ऐसा आड़ा वाला आता वो जरा मेरे को अच्छा नहीं लगता आप देखो उसमें ज़रा किंग का टाइम ज़्यादा लगता है तो ये जो है इस तरह ये वाला फुल लंबा वाला इस टाइप का कैलकुलेटर आप ले सकते हो आप चाहे तो इसका मैं मॉडल भी Uh, पढ़ के बता दो कैसीओ का मॉडल है ये जे जे वन ट्वेंटी डी ट्वेल्व डिजिट वाला तो आपको कमर्शियल कैलकुलेटर ट्वेल्व डिजिट वाला कोई भी ले सकते हैं आप चाहे तो कैसीओ का ले मेरा कोई कैशियो का एजेंसी नहीं मेरे कोई कमीशन नहीं मिलता बट दिस इज द वन विच आई फाइंड इट वेरी गुड देन एक कैलकुलेटर आप ख़रीदेंगे या जो यूज़ करेंगे वो थ्रू आउट एग्जाम तक यानी फाइनल तक के आपको वही कैलकुलेटर यूज़ करना है बार बार कैलकुलेटर मत बदलो रीज़न <coughs> इसका ये है कि हर एक कैलकुलेटर का जो कीबोर्ड है उसका पोजीशन अलग अलग होता है तो अपने को जब आदत हो जाती है कि ये कानों में ये कोने में ऑल क्लियर है ये कोने में मेमोरी है ऐसा सब तो वो बार बार बदलने से एग्जाम में दिक्कत हो सकता है तो जो कैलकुलेटर थ्रू आउट आप यूज़ करेंगे वही एग्जाम में भी यूज़ करो सो दैट विल मिनिमाइज योर एरर्स गलती आपकी कम होंगी <coughs> उसके बाद अभी जो मैथमेटिक्स का पेपर जैसे मैंने बताया आपको ये ऑब्जर्व टाइप होने की वजह से आपको जो ग्यारहवीं बारहवीं दसवीं में जैसे हम प्रूव करते थे हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखते थे गिवन क्या है फाइंड आउट क्या है कंस्ट्रक्शन क्या है आंसर क्या है अंडरलाइन करो ये सब कुछ भी नहीं करना है आप कम से कम समय में करेक्ट आंसर क्या है वो निकालना है और उसको आंसर शीट में गोला मारना या टिक लगाना है तो ये जल्दी कितना करते आप इसके ऊपर डिपेंड करता है तो पहली चीज है कि कंसेप्चुअली भी यानी हम लोग जिस तरह से प्रोसीड होंगे तो पहले तो हम लोग जो है कंसेप्चुअली उसको क्लियर करेंगे बिकॉज कंसेप्चुअली क्लियर नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं है तो पहले जो हर एक चैप्टर हम पहले कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे उसके बाद जो है उसके फॉर्मूले वगैरह जो है वो लेंगे वो फॉर्मूले के प्रैक्टिस uh, करेंगे फार्मूला अप्लाई कैसा करना उसके बाद हर एक फॉर्मूले फॉर्मूले के ऊपर अलग अलग टाइप वाइज उसके जो प्रॉब्लम्स है वो टाइप बाय टाइप प्रॉब्लम्स करेंगे और ये होने के बाद जो है वो एग्ज़ाम पास्ट एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स है तो ऐसा हर एक चैप्टर पर ऑलमोस्ट साठ सत्तर कभी कभी अस्सी कभी एक इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें करना है तो दैट ऑल प्रॉब्लम्स आई विल डू तो अभी आपको क्या करना है तो आपको जो हम पढ़ाते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जो वीडियो आपको देते देंगे वो रोज़ के रोज देखना है जिस दिन वीडियो आए उसी दिन उसको देखना चाहिए जहाँ तक हो सके और उसके बाद उस आप कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके बैठिए और सारी चीज़ें जो हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं वो आपको भी लिखना है फिर प्रॉब्लम समझिए जहाँ आपको रिपीट करना है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं या रिपीट करना है तो बैक जाके फिर से रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं तो पूरी तरह से समझिए और फिर उसको जो है आप एक बार सारे प्रॉब्लम फिर से कीजिए <coughs> मैंने किए है आपकी कॉपी में आप कॉपी कर लेंगे इसका मतलब आपको आगे ऐसा नहीं होता तो उसको जो है आपको रिवाइज भी करना है यानी आपको खुद को भी करके देखना है बार बार देखे बगैर सो यू मस्ट बी एबल टू डू दोज प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन सो हर एक प्रॉब्लम आपने कम से कम दो दो तीन तीन बार तो भी सॉल्व करना है फिर हर एक दिन जैसे आज पहला दिन है तो शायद होमवर्क होगा आपको ऑफ कोर्स तो हर एक दिन आपको होमवर्क देंगे नहीं भी मैं बोलने को भूल गया तब भी आप ध्यान दीजिए कि आगे के ट्वेंटी प्रॉब्लम्स आपको करने हैं तो जो प्रॉब्लम मैंने नहीं किए वो आप पहले करके देखिए तो एटलीस्ट प्रॉब्लम पढ़ा रहता है प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या है आपको डिफिकल्टी क्या है दिक्कत क्या है वो आपको समझ में आएगी और उस तरह से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा हो सकता है शुरू में आपको दिक्कतें होंगी ज़्यादा पर्टिकुलरली जो जुन, जिन्होंने ट्वेल्थ कॉमर्स ने कॉमर्स uh, किया विथ विदाउट मैथेमेटिक्स उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है जिन्होंने ट्वेल्थ कॉमर्स विथ मैथेमेटिक्स और साइंस विथ मैथेमेटिक्स किया है उनको कंपेरेटिवली इजी लग सकता है बट उन्होंने उन्होंने भी इसको जो साइंस में मैथ्स पढ़े हैं उन्होंने भी इसको हल्के में नहीं लेना बिकॉज ये टेक्निक है द वे ऑफ सॉल्विंग इट इज़ वेरी डिफिक डिफरेंट तो यानी यहाँ पे स्पीड को भी इम्पोर्टेंस है एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही बट एक्यूरेसपीटेंट एंड बिकॉज ओनली आंसर इसलिए प्रेजेंटेशन जो रहता है कि पहले क्या लिखना बाद में क्या लिखना अंडरलाइन क्या करना यह सब का कोई मायना नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देन विद स्टार्ट विद द एक्चुअल सिलेबस अब यहाँ पे पहला जो चैप्टर है अपने मटेरियल हम जो आपके पी डी एफ फाइल दिया होगा या देंगे मिल जाएंगे आपको उसमें फर्स्ट Uh, मिला ही होगा बाय दिस टाइम तो आप एक काम कीजिए पीडीएफ फाइल जो होगी उसको आपके पास प्रिंटर है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आपके साथ रहेगा तो आपको समझने में और आसानी होगी दूसरा और एक काम कर सकते हैं आप यदि प्रिंट आउट नहीं है आपको पॉसिबल नहीं है प्रिंट आउट लेना लॉकडाउन के चक्कर में तो फिर यदि आप उसको क्वेश्चन जो पी फाइल एक एक देख के आपकी कॉपी में एक एक क्वेश्चन लिख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह भी छोड़ते जाएंगे या जैसा भी हो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जगह छोड़ने के बजाय आप एक साथ लिख के रखो क्वेश्चन तो आप बोलेंगे इतने क्वेश्चन कैसे लिखेंगे अब ये लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग आपको तो फिजिकली प्रिंट आउट नहीं दे सकते हैं इसलिए आपको जो है पीडीएफ फाइल हम भेज सकते हैं ई बुक जिसको बोलते हैं और उससे आपको देखना है एक या फिर आपके पास यदि कोई प्रिंटर वगैरह है प्रिंटर का कोई अरेंजमेंट है कोई आप इंटरनेट कैफे में जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो दैट इज़ बेस्ट थिंग तो आपके पास प्रिंट आउट यदि है तो ज़्यादा अच्छा नहीं है तो, तो मैंने तो क्या किया है कि मैंने हर एक प्रॉब्लम का जो है वो कॉपी पेस्ट करके स्क्रीन पे भी मैं लाऊंगा और सॉल्व भी करूंगा तो हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा समझे बट आपका भी कॉपरेशन उसमें ज़रूरी है बिकॉज बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाने वाला कोई भी है उधर विद्या के गुरु भी ऊपर से आते हैं और बृहस्पति जिसको बोलते हैं वो बृहस्पति भी आते हैं खुद पढ़ाने के लिए तभी भी जब तक आप खुद नहीं पढ़ते तब तो कुछ नहीं होने वाला है तो वी कैन बी वी कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड वी कैन एक्सलरेट यूर अर्निंग वी कैन गिव यू टेक्निक्स शॉर्टकट्स दैन एग्जाम टेक्निक्स सारी चीजें हम देंगे बट बेसिकली तो आप ही को बैठना है अब हमारे जो मटेरियल है उसमें पहला चैप्टर जो है वो है रेशियो प्रोपोर्शन हमने जानबूझ के पहले हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे इंडाइसिस इंडाइसिस पहले शुरू करने से बहुत सारे बेसिक्स यदि आपको मालूम नहीं तो वो भी मालूम हो जाएगी और उसका फायदा फिर फर्स्ट uh, चैप्टर मिलेगा तो पहले आई विल स्टार्ट विद सेकंड चैप्टर देन आई विल गो टू द फर्स्ट चैप्टर तो विद दैट लेट अस स्टार्ट द सेकंड चैप्टर दैट इज तो आप देख सकते हैं सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है चैप्टर टू नाम है इंडा अब इंडेक्स याज इज अ प्लुरल इंडेक्स इज सिंगुलर ठीक है और प्लूरल सिंगुलर प्लूर समझते हैं एक वचन अनेक वचन इंडाइसिस इंडाइसिस इज अ प्लूरल अब ये इंडेक्स इंडेक्स इंडाइसिस क्या होते हैं तो हिंदी में मराठी में इसको घातांक बोलते हैं नहीं मालूम होगा तो छोड़ो <coughs> अभी तो अपना इंग्लिश मीडियम है तो पहले ये तो आपको मालूम है कि यदि हम a इंटू ए करेंगे तो दैट वी कॉल एज a स्क्वायर यदि हम y इंटू y इंटू वाई करेंगे दैट विल का y क्यूब यदि हम x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसा चार बार करेंगे तो इज कॉल्ड x एक्स टू फोर तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसको इंडेक्स। इसको बोलते बोलते इंडेक्स इंडेक्स जो राउंड किया है मैंने इंडेक्स यानी पावर इंडेक्स मीन्स पावर तो चैप्टर का नाम है इंडेसेस इंडा पावर्स अब इसमें जो है जैसे हम लिखते हैं कि x कोई भी नंबर लेते मान लो x रेस टू दूसरा नंबर n तो इसको ऐसा पढ़ते हैं x इसको ऐसा पढ़ते हैं x टू द पावर n या x रेज टू n कैसे पढ़ते हैं x टू द पावर n या x रेज टू n ऐसा पढ़ते हैं तो x रेस्ट टू n भी बोल सकते हैं आप <coughs> तो अपन बोलते बोलते रेस्ट टू बोलते तो रेस्ट टू नहीं है टू x रेज टू n पढ़ते समय अपन जल्दी में बोलते हैं तो उसको x रेस टू बोलते हैं तो यू कैन रीड इट एज x टू द पावर n यू कैन रीड इट एज x टू द पावर n जैसे हम बोलेंगे उसको बोलते बेस और दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स और पावर और एक्सपोन समझ गया आ गया तो ये जो नीचे वाला नंबर है जैसे यहां पर वाई इज अस ये इंडेक्स है ए इज बेस टू इज इंडेक्स आर एक्सपोन और पावर यहां पर एक्स इज अस फोर इज अ पावर यदि हम ऐसा लिखते हैं like so है? अब <coughs> ये तो वॉट इज इंडेक्स ये तो आपको समझ गया अब इसके कुछ बेसिक जो है फॉर्मूले है इसके वो अपन देखेंगे कुछ कुछ बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं देखिए इधर जैसे मान लो कि मुझे ए स्क्वा मल्टीप्लाइड बाई ए रेस्टू थ्री करना है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए इंटू ए दो बार है और फिर से ए इंटू ए इंटू ए तीन बार है इसका मतलब टोटल हो गया ए इंटू ए इंटू ए पांच बार सो so इसको हम बोलते ए रेस टू फाइव अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर है ए रेस टू टू यहाँ पर है ए रेस टू थ्री और यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह पाता है ए रेस टू फाइव क्योंकि आता है कि ए रेस टू टू मतलब ए दो बार ए रेस टू थ्री मतलब ए तीन बार तो इसलिए ए रेस टू टू इन टू ए रेस टू थ्री ये होगा तीन और दो पाँच बार इसका मतलब ये पाँच कैसे आए तो ये पाँच आए आपके ए रेस टू टू प्लस थ्री ठीक है अब वैसा ये ऑफ टेकिंग टू थ्री हम उसको जनरलाइज कर देते हैं जनरलाइज कर दे जैसे हम बोलेंगे ए टू एम तो ए टू मतलब एम का मतलब हुआ a ए इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसा एम टाइम्स होगा एम टाइम्स जैसा वेनायसे इंटू एस वेनायसेन ए रेस्टू एन सपोज इट इज एन टू एन टू ए एन टाइम्स एन टाइम्स है

यहाँ पे बेस जो है इसका भी बेस ए है इसका भी बेस है तो बेस कॉमन होना चाहिए सो so वेन बेस इज कॉमन एंड यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स देन दिस आर एडेड ये हमारा रूल हो गया सिंपल <coughs> है अब इसका अपन यूज कैसे होता है वो देखेंगे कि जैसे मान लो मान लो हमें ये लिखा ए रेस टू फाइव Into A to six, तो to A to 11, 11 तो हमें से समझना चाहिए, है? रूल अब मैं इसको थोड़ा सा चौकट कर देता हूं चौकट किया इसका मतलब ये कि उसको आपको याद करना है इसको आपको याद करना है सो लर्न बाय डिसम इन टू एर एन अब ये इसका है अब माइनस के लिए भी लागू है जैसे ए रेस टू माइनस थ्री इंटू ए रेस्टू प्लस फोर तो ये होगा ए रेस टू प्लस फोर एंड माइनस थ्री की टोटल प्लस वन अभी आपको आना चाहिए प्लस फोर माइनस थ्री टोटल प्लस इवन इट इज ट्रू फॉर फ्रैक्शन हो गया समझ लीजिए कि फ्रैक्शन के लिए भी सही है माइनस के लिए भी सही है सब के लिए सही है तो पहला रूल हो गया ए टू एम इंटू ए टू एन

पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा ए रेस टू एम इन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन अब दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं देखिए दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं कि ये a to M, मतलब पहले करके बताता हूं ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू थ्री है मान लो ए रेस टू फाइव डिवाइडेड बाय ए रेस टू थ्री है तो इसका मतलब क्या होता है ए ए पांच बार दैट इज a टू ए इंटू ए फाइव टाइम्स डिवाइडेड बाई ए रेस टू थ्री मीन्स ए इंटू ए इन ए थ्री टाइम्स अब आप देख सकते हो कि ये इसके साथ कट ये इसके साथ कट ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट बचा ए रेस टू टू अभी टू कैसा आता है डायरेक्टली हम समझ सकते हैं पांच में से तीन कट जाएंगे पांच माइनस तीन दो सिंपल है ये पांच ए रेस टू फाइव डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे तो पांच में से तीन यानी पांच माइनस तीन करो तो ये पांच माइनस तीन करेंगे तो दो आते हैं अब इसी का हमने एक रूल बना लिया क्या रूल बनाया रूल ऐसे बनाया ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन ठीक है मतलब क्या कि हम कोई भी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं पहले यहां पर भी देखिए ये बेस जो है ये बेस सेम होना चाहिए ए ए बेस सेवन नहीं तो ये रूल नहीं लगेगा तो बेस सेम ए रेस टू एम है तो ए रेस टू एन तो यहां पर आपको डिवाइड करेंगे तो ये एम माइनस का इंडेक्स माइनस डिनोमिनेटर का इंडेक्स एम माइनस एन a रेस्ट तू m माइनस n लॉजिक सिंपल है इसका तो a रेस्ट तू m मतलब ऊपर a a a m टाइम्स रहेगा नीचे a a a n टाइम्स रहेगा तो कैंसेल होके बचेगे m माइनस n ठीक है अब इसको उल्टा पुल्टा भी होता है ये जैसे हम ऐसा करेंगे इसका पहले एप्लीकेशन देख लेंगे अपन सपोज अपन इसके पहले एप्लीकेशन देख लेंगे सपोज हम ऐसा करते हैं कि ए रेस टू सेवन अपॉन ए रेस टू टू तो जाहिर क्या होगा फोर एस टू फोर तो ये क्या होगा फोर रेस टू टू माइनस फोर यानी माइनस टू ये समझ गया क्या देखो फोर एस टू टू माइनस फोर दैट मीन माइनस टू चाहे तो आप ऐसा भी लिख लो फोर इसको फोर ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपल है फोर रेस टू टू माइनस फोर दैट इज फोर रेज टू माइनस टू ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है तो आप बोलेंगे इंडेक्स माइनस कैसा होता है होता है इंडेक्स कैन बी ऑल्सो माइनस डजेंट मैटर सो ये हो गया फोर एस टू टू अपॉन फोर इज टू फोर फोर एज टू माइनस टू अब ऐसा भी लिख सकते थ्री रेस टू सेवन अपॉन थ्री रेस टू सपोज फाइव तो ये क्या होगा थ्री रेस टू सेवन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू टू ये समझाएं सेवन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू टू सिंपल फिर उसके बाद फ्रैक्शन में भी रह सकता है सपोज हम ऐसा लिखते क्या होगा एक्स रेस टू थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू अभी थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू कैलकुलेटर से आपको आपको वैसे ही करते आना चाहिए थ्री बायू मीन पॉइंट फाइव होता है और वन बाय टू मीन पॉइंट फाइव फाइव माइनस माइनस आधा करेंगे तो वन आएगा X हम ऐसा भी देखेंगे, ऐसा दिया, अब क्या होगा देखिए दिस बी वायर एक टू फोर बाय फाइव माइनस इन ब्रैकेट माइनस टू बाई फाइव क्योंकि रूल क्या बोलता है ए रेस टू एम माइनस ए रेस टू एन सो ये फोर बाय माइनस ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली सो दिस विल विकॉम वायर एस टू फोर बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव अब इसका बेस सेम है इसलिए वायर एस टू सिक्स बाय फाइव वाई टू द पावर सिक्स बाय फाइव ये इसका आंसर हुआ ऐसे चिल्डर चिल्डर क्वेश्चन बट ये आप आपके मन से अलग 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 नंबर लेके फ्रैक्शन लेके आप उसको लिख के कर सकते हो करके देख सकते हो अभी देखा गया है कि बहुत लोगों को ना ये फ्रैक्शन से बड़ा प्रॉब्लम रहता है जैसे फोर बाई फाइव प्लस टू बाई फाइव तो कर लेते हैं कि भाई बेस सेम है फाइव फाइव तो चार और दो छः लेकिन जहाँ बेस अलग अलग है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो फ्रैक्शन ऐड नहीं करते आता तो उसके लिए आपको एलसीएम वगैरह लेके अलग से पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे आएगा मैं आपको करके बताऊँगा एक दो बार करके बताऊँगा लेकिन सब्सिक्वेंटली प्रैक्टिस तो आपको करना है तो ये हुआ सेकंड रूल हमारा तो इसको भी आपको याद करना है ये सेकंड रूल है आपका क्या रूल है आपका ए रिज टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है अब आप देखिए थर्ड रूल पहले करते हैं आप बोलेंगे बाकी की छोड़ दिया आपने वो भी बताता हूँ अब चीजें जो है ना लॉजिकली आपको पढ़नी पड़ती है तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होता है बुक वाले अपने हिसाब से लिखते हैं प्रिंटिंग अपने हिसाब से होता है पढ़ाना लर्निंग इज अ प्रोसेस इट हैज टू बी लर्न इन प्रॉपर स्टेप्स सो दैट लर्निंग बिकम्स इजियर एंड इंटरेस्टिंग तो उस हिसाब से डोंट अबाउट द ऑर्डर ंग चलिए तो ये समझ गया आपको ये सेकंड रूल हमने पढ़ा पहला रूल था ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन दूसरा रूल था ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एनव माइनस एन अब आगे देखते हैं <coughs> अब एक देखिए सपोज ए रेस्टू टू ब्रैकेट रेस्ट थ्री ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया ये पावर तीन है, है. है तो ए स्क्र को आपको तीन बार गुणा करना पड़ेगा पहले सो दिसम ए स्क्र इन टू ए स्क्वे इन टू ए स्कोय आर यू फॉलोइंग दिस ए मतलब ए स्क्वायर तीन बार फिर आपको अभी अभी हमने रूल देखा था क्या देखा था कि ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन अभी भी रूल देखा था ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इंटू ए टू और एक नंबर है तो ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा तो टू प्लस टू प्लस टू यानी सिक्स होगा सो अल्टीमेटली दिस विल कम ए रेस टू सिक्स सिक्स कैसा है टू प्लस टू प्लस टू सिक्स तो ये सिक्स हम ऐसा लिखने के बजाय डायरेक्ट ऐसा भी आता है आप देख सकते टू इंटू थ्री करो तो सिक्स आ जाता है 2 into 3 करो तो 6. तो इन्स्टेड ऑफ़ राइटिंग दिस a square three times एंड देन मेकिंग द टोटल ऑफ़ 2 into 2, वी जस्ट डू a is to 2 into 3, 6 ऐसा सीधा आता है. तो इसलिए रूल ये हमारा ऐसा बना a is to 2 into a is to 3 is equal to a is to 6. मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, जब a is to

रूल क्या होगा फिर ए रेस टू एम दैट रेस्ट टू एन इज इक्वल टू ए रेस्ट टू एम एन तो इसको हम रूल फॉर्म में लिखते ए रेस्ट टू एम दैटी दू होना चाहिए

A एक ब्रैकेट में है है और पूरे को तभी होगा ए रेस टू एम एन तो ये हमारा तीसरा रूल है जो आपको याद करने का है जहां जहां चौकट डाले मतलब उसको याद करना है फ्रेम किया मतलब याद करना है जिस घर में फोटो फ्रेम करके रखते ना पहले पुराने जमाने में रखते थे आजकल तो मोबाइल में रहता है तो जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है वो हम पहले फ्रेम वेम का कांच वाँच लगा के दीवार के ऊपर लगाते थे तो ये फ्रेम मतलब आपको परमानेंट याद रहना चाहिए आप चाहे तो ये सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट बना के आपके स्टडी रूम में चिपका के रख सकते हैं सिर्फ चिपका के नहीं होगा जाते आते पढ़िए सी दैट यू ऑल रिमेंबर ऑलवेज मतलब इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको ऑनलाइन रियल टाइम और रैंडम एक्सेस से याद होना चाहिए ऑल रियल टाइम मतलब जब जब, जब चाहे तब तब

थर्टी एट नाइनटीन थ्री फिफ्टी से चलेंगे तो आता है कुछ लोगों को उसको बोलते हैं है। तो हमें रैंडम एक्सेस चाहिए मतलब 19, 4, 76, ऐसा फट से आना चाहिए अभी जो मल्टी टेबल की बात निकली तो बता देता हूँ कि हमारी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है और एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक है अब एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने के बाद भी हमारे यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है तो ये पहली एग्जाम है मतलब ऐसा समझ लो सी इंस्टीट्यूट जो है सी इंस्टीट्यूट की पहली ने अब बाकी जो एग्ज़ाम्स है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है यूपीएससी एमपीएससी फिर आपके कैट एम के लिए या फिर नीट या आई आई टी चाहिए सारे एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसमें जो है आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ये हमारी पहली एग्ज़ाम है शायद एज जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड है ऑब्जेक्ट टाइप एग्ज़ाम है जनरली ऑब्जेक्ट टाइप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहते हैं तो वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट बट उसके बावजूद भी कुछ हद तक हमें मल्टी टेबल वगैरह याद है तो अच्छा रहता है तो ये जैसे सारे कैट और आई वगैरह सारे एग्जाम है जैसे एम कैट है तो जो ग्रेजुएट हो जाते हैं बी कॉम सी या फिर एम इंजीनियर बी एम उसके बाद एम करने के लिए लोग आते हैं अब इतने सीनियर लोग रहते जो एम भी रहते कुछ उसमें से कुछ उसमें से इंजीनियर रहते कोई पी रहते लेकिन वो एम करने के लिए जा रहा है तो वो क्लास जब लगाता है तो कोचिंग क्लास वाले पहले उसको एक से चालीस तक मल्टीटेंट टेबल याद करने को बोलते हैं एक से चालीस तक तो आपको मैं एक से चालीस नहीं बोलूँगा कम से कम एक से बीस तक तो करो अब कुछ लोगों को सेवन इंटू एट ये जल्दी आता नहीं है तो वो उनका स्पीड हैम्पर होता है वो फिर कैलकुलेटर सेवन इंटू एट करते तो वो मतलब कैलकुलेटर अलाउड है इसका मतलब ये नहीं है कि हमको टू इंटू वन करना है तब तो भी हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो उससे आपका स्पीड में प्रॉब्लम आएगा तो स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जैसे आपको स्पीड मेंटेन करना है तो जितने मैक्सिमम लर्न करोगे फॉर्मली जितना याद हो अच्छा रहेगा नॉट ओनली दैट उधर जो कैट वाले एग्जाम है उनको वो भी याद कराने लगाते कि वन मतलब वन हंड्रेड परसेंट वन बाई टू मीन्स फिफ्टी परसेंट वन बाय थ्री मीस थर्टी थ्री एंड वन थर्ड परसेंट वन बाई फोर मीस ट्वेंटी फाइव परसेंट वन बाय फाइव मीस ट्वेंटी परसेंट ऐसा वन बाय फोर्टी तक कराते याद तो उससे भी कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ता है देन वन का आधा वन वन का आधा वन बाई टू टू का आधा वन थ्री का आधा uh, डेढ़ चार का आधा दो पाँच का आधा ढाई धा, छः का आधा तीन सात का आधा साढ़े तीन uh, ये भी सब याद होना चालीस तक के चालीस का आधा बीस तो उससे भी आपके स्पीड में और एक्यूरेसी में फर्क पड़ता है तो कैलकुलेटर अलाउड है इसका मतलब ये नहीं कि चिल्डर चिल्डर कैलकुलेशन जो हम कैलकुलेटर पे करें जहां तक हो सके कैलकुलेटर मैन्युअली होगे, तो एक्यूरेट ज्यादा होगे, स्पीड ज्यादा होगा तो अब हमारी तरफ से हम बोलते हैं अब आप क्या करते है? देखो तो कम से कम 20 तक के तो भी पाड़े बोलते अपन उसको टेबल या पारे हैं वो याद करेंगे तो चलता है वो करना पड़ेगा वो याद चलता है नहीं वो आपके आपकी मातृभाषा जो भी होंगी मराठी हिंदी उसमें भी आप कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी चलता है आपकी मातृभाषा में भी आप कर सकते हैं चलो तो ये होगा आपका सेकेंड फॉर्मूला याद करने के लिए अब अब इसके इससे ही कुछ उल्टे पुलटे फॉर्मूले बनते हैं वो भी हम देख लेंगे जैसा हमें किसी ने बोला कि सपोज ए रेस टू सेवन अपॉन ए रेस टू सेवन तो वैसा हमारा रूल क्या बोलता है कि ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन तो ये क्या होगा ये होगा सेवन माइनस सेवन सेवन माइनस सेवन तो सेवन माइनस सेवन एन क्या होगा ए रेस टू जीरो होगा सेवन माइनस सेवन एने क्या होगा ए रेस टू जीरो तो इसका मतलब है और ये भी अपने को पता है कि कोई भी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर वन आता है तो इसका आंसर इस आएगा वन ये समझे आपको इसका आंसर आएगा वन क्यों आएगा समझो ये ए आप लिखेंगे ए ए ए, ए ऐ, ऐसा सात बार ठीक है हो गया तीन तीन छ सात नीचे भी लिखेंगे ए ए ए ए ए ए ए सात बार अब क्या होगा ये कैंसिल होंगे पूरे और बचेगा क्या वन बचेगा

जीरो होगा सो दैट मीनस ए रेस्ट टू जीरो टू वन तो ये रूल याद रखना है कि एनीथिंग रेस्ट टू जीरो टू वन ए रेस्ट टू जीरो इक्वल टू वन मतलब कोई भी नंबर ले लो आप अदर देन जीरो ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए वो क्यों अगर वो बाद में देखते हैं अब इतना ध्यान रखिए कि कोई भी नंबर रेस्ट टू द पावर जीरो विल बी इक्वल टू वन कारण क्या है समान नंबर को समान नंबर से डिवाइड करते तो वन आता है यहाँ पे ये रूल हैं टू द पावर जीरो करेंगे तो वन आता है तो ये ध्यान रखना कोई भी नंबर अदर देन जीरो इसका पावर यदि जीरो है तो आंसर वन आता है क्यों आता है तो वन मतलब कोई भी नंबर अपॉन सेम नंबर तो ए रेस टू सेवन अपॉन ए रेस्ट टू सेवन सेवन माइनस सेवन जीरो अब सेवन ही लेना चाहिए ऐसा नहीं हम ऐसा भी ले सकते कि ए रेस टू ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एम ठीक है अब ए रेस्टू एम अपॉन ए रेस टू एम तो ये सेम नंबर टू सेम नंबर इसलिए वन आएगा और इधर एम माइनस एम यानी जीरो आएगा सो ए रेस टू जीरो टू वन सिंपल है तो ये भी एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा ए रेस टू जीरो इक्वल टू वन तो इसको भी आप चौकट कीजिए इसको भी चौकट कीजिए दिस इज योर नेक्स्ट रूल की एर एस टू जीरो इक्वल टू वन अब आगे देखिएगा आगे <coughs> सपोज हम ऐसा करते हैं कि वन अपॉन एर टू सेवन है मान लो किसी चीज का वन अपॉन एर एस टू सेवन अब ये जो वन अपॉन एर एस टू सेवन है आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में यदि कोई नंबर से मल्टीलाय करते हैं तो आंसर सेम आता है तो सपोज आई मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए रिज टू माइनस सेवन तो ये क्या होगा अब देखिए ए रेज टू माइनस सेवन ए रेज टू माइनस सेवन इंटू वन सेम आएगा ए रेज टू माइनस सेवन दिस विल बी ए रेज टू माइनस सेवन और नीचे जो है दोनों में

या ऊपर से नीचे लाना है आपको ये नीचे से ऊपर ले जाना है इसको ऐसा समझिए ऊपर से नीचे ले जाना है मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो जो भी इंडेक्स है उसका साइन बदल जाएगा दैट्स ऑल तो ये भी एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा तो रूल क्या हुआ एक बार लिख के देता हूं मैं आपको कि रूल हो गया आपका ए रेस टू ए रेस टू एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए रेस टू माइनस एम या फिर ए रिज टू माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए रिज टू प्लस एम मतलब ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर जाना है तो साइन आपको सिर्फ बदलना है प्लस का माइनस और माइनस का प्लस दैट्स ऑल तो ये ध्यान में है आपके रूल ठीक है इतने सारे रूल्स हो गए हमारे ये भी एक रूल करके आप याद सक, कर सकते हो दिस ऑल्सो यू कैन रिमेंबर एज वन रूल पांचवा

ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो सब ठीक ना ये भी देखा अपने so सिर्फ तो ये होगा वन अपॉन ए रेस्टू प्लस वन ए वन अपॉन ए रेस्टू प्लस वन होगा ये ठीक है सो so, ये ए जो है ऊपर से नीचे आ रहा है ना तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वन हो जाएगा ठीक है Then ये भी, भी, भी रूल देखा था अपन तो उसका ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन इन टू एर एस टू पी तो तीनों का बेस सेम है तो तीनों के पावर एड होंगे एम प्लस एन प्लस पी ये भी रूल हमने देखा फिर देखिए छठवा रूल भी देखा

ठीक है अब ये ध्यान रखो ए ए रेस टू एम होल रेस टू n इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन बट ए रेस टू एम टू द पावर एन एन ये जो n जो पावर है ये सिर्फ n का है तो फिर इट इज नॉट इक्वल टू mn ये ध्यान रखना मतलब ये जो रूल है ये रूल तभी लगता है जब ये होल रेस टू n होगा होल रेस टू n होगा तभी लगेगा देन आगे के ये आठवा भी हमने देखा नहीं वो देखते हैं अभी आठवा रूल ये बोलता है कि ए रेस टू इज इक्वल टू बी रेस टू एम है अब पहली बात ध्यान दीजिए सबसे पहला रूल है जहाँ पे बेसिस अलग है ए इधर बेस ए है तो इधर बेस बी है लेकिन यहाँ पे इंडेक्स सेम है तो यदि बेसिस अलग अलग है लेकिन इंडेक्स सेम है और ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल होगा ठीक है सो दैट मीन्स वॉट इफ द बेस आर डिफरेंट बट इंडेक्स आर सेम

ए रेस्टू एन अब यहाँ पे बेस सेम है तो इंडेक्स इक्वल होना चाहिए यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन इंडेक्स इंडेक्स सेम सेम है है तो बेस इक्वल होना चाहिए और बेस इक्वल है तो इंडेक्स इक्वल होना चाहिए मतलब दो में से एक तो भी कम से कम इक्वल होना चाहिए और वो नंबर इक्वल है तो तो ये रूल याद रखो ए रेस टू एम इक्वल टू बी रेस टू एम मतलब एम इक्वल टू एन ये होगा रूल देन आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा अब ये इसको पहले उसको समझते हैं ना आपको मालूम है कि रूट एक्स यदि हम लिखते हैं तो दिस कैन भी रिटने स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स पहली बात ध्यान दो कि स्क्वायर रूट है तो अपन दो लिखते नहीं ऐसा एग्जामड है लिखने का बट लिखे तो भी कुछ गलत नहीं है अब ये ध्यान रखो कि हम ऐसा लिखेंगे तो ये और ये अलग अलग है दिस एंड दिस इज नॉट सेम ये इसका मतलब है टू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट और ये सिर्फ स्क्वायर रूट है मतलब जो स्क्वायर रूट है तो ये टू जो है ये जो ये जो नॉच है ये नॉच में ही लिखना चाहिए ये जो नॉच है उसमें ही लिखना चाहिए पहली बात तो ध्यान रखिए जैसे हमें क्यूब <coughs> रूट लिखना है क्यूब रूट लिखना है मान लो हमें क्यूब रूट लिखना है तो हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसा नहीं लिखेंगे इसका मतलब थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका मतलब थ्री इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ये दोनों इक्वल नहीं है नॉट so इक्वल ध्यान रखना आपको ठीक है तो पहले तो ये बात समझ गई अब आप देखिए अब आपका जो रूट एक्स है क्या आपको पता है यहाँ पे होगा एक्स रेस टू वन बाय थ्री क्यों तो यहाँ पे एक्स की पावर वन है इसलिए वन बाई थ्री वन बाय थ्री यदि मैं ऐसा लिखूं फोर्थ रूट ऑफ एक्स तो ये होगा x रेस टू वन बाय फोर क्योंकि यहां वन है बाय लेकिन यदि ऐसा है फोर्थ रूट ऑफ x रेस टू थ्री तो इसका मतलब था, x टू बाय ये वैसे ही रहेगा और ये फोर जो है रूट होने की वजह से डिवाइड बाय फोर आएगा तो ये समझ लीजिए आप अब ये समझो ऐसा है एट रूट ऑफ एक्स रेस टू सिक्स तो इसका मतलब होता है एक्स रेस टू सिक्स बाय एट मतलब ये पावर ऊपर आएगा और ये रूट में जो है नॉच में वो नीचे आएगा तो इसको हमने जनरलाइज कर लिया है m थ रूट ऑफ a रे टू n विल बी इक्वल टू a रे टू m अपॉन n ये समझ लिया आपने अब वहां पे जो लिखा है उसने ऐसा लिखा है n थ रूट ऑफ a रे टू m तो नेचुरली दिस विल कम a रे टू m बाय n यानी पावर जो अंदर का है ऊपर आएगा और ये रूट जो है n थ रूट है तो अपॉन n आएगा तो ये ध्यान लीजिए आप तो ये रूल हो गया हमारा नववा ठीक है तो इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है नहीं रहना चाहिए तो एक एक दो चार एग्जांपल और आप देख लीजिए उससे खासतौर पे कॉमर्स वाले भाई लोग जो हमारे ध्यान रखें कि यदि हम ऐसा लिखते हैं फोर्थ रूट ऑफ ए रे टू 3/4 तो ये क्या होगा ए रे टू 3/4 और ये 1/4 नीचे नीचे और 1/4 आएगा इसका मतलब ये होगा ए रेस टू थ्री बाय सिक्सटीन ये समझा आपको क्योंकि ऑलरेडी एक फोर नीचे था ना ऑलरेडी एक फोर नीचे था वैसे ही रहा ये वाला वैसे ही रहा और ये रूट फोर्थ रूट है ये नीचे फोर्थ आ गया अनदर एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि फोर्थ रूट ऑफ ए रेस टू फोर बाय थ्री ऐसा है तो ये क्या होगा दिस विल बी ए रेस टू फोर बाय थ्री और आप ये फोर्थ है तो ये नीचे फोर आएगा इन टू फोर और फिर फोर फोर कैंसिल होकर ये बचेगा ए रेस टू थ्री या फिर हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं देखिए सपोज फोर्थ रूट ऑफ फिर से करता हूं मैं टू थ्री है तो पहले हम ए रेस टू फोर बाय थ्री लिख लेंगे और ये फोर्थ रूट है मतलब टू होता है फिर हमारा रूल है ए रेस टू एम ए रेस टू एम दैट रेस टू एन इज इकू ए रेस टू एम एन मतलब ये होगा ए रेस टू ए रेस टू फोर बाय थ्री इन वन बाय फोर फिर आप आराम से फोर फोर कैंसिल करके ये होगा x एक टू एक्स रेस टू वन बाय थ्री ऐसा हो गया ठीक है सो so, एक्स रेस टू वन बाय थ्री आया तो अब एक्स रेस टू वन बाय थ्री का मतलब क्या होता है इट इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ ए ये भी होता है तो ऐसा सब मैनिपुलेशन कैलकुलेशन ये आपको फटाफट फटाफट फटा 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 आना चाहिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से समझो आप उसका लोकेशन वगैरह अब ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया अब देखिए दसवा अब ये तो बहुत सिंपल है सपोज आपको पता है अपन ऐसा बहुत बार करते हैं वही अपने को यहाँ फिर से करना है सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन है तो हम क्या बोलते एक्स इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ नाइन दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री तो हम लिखते हैं तो आप देखिए नाइन X X है तो एक्स इज इक्वल टू नाइन रेस टू वन बाई टू जैसे एक्स रेस टू फाइव है मान लो एक्स रेस टू फाइव इज इक्वल जनरल इन जनरल आप देखिए कि यदि आपको ऐसा दिया है कि ए रेस टू एम इज इक्वल टू के तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू के रेस टू वन अपॉन एम ये समझा यदि हम ऐसा लिखेंगे P रेस टू Q इज इक्वल टू आर तो इसका मतलब है P इज इक्वल टू आर रेस टू वन बाय क्यू ऐसा मतलब हो गया ये समझना है ठीक है चलिए तो और ऐसा भी दिया मान लो कि A रेस टू M इज इक्वल टू K रेस टू N दिया है तो A विल बी इक्वल टू K रेस टू N अपॉन M, तो ये समझिए ये जो इधर का M है ये निकाल देना है तो इधर नीचे जाएगा ये एन वैसा का वैसे अब हमको के इज इक्वल टू लिखना है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम ऐसा भी लिख सकते के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए रेस टू एम अपॉन एन ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये ऐसा क्यों होता है वो समझ लो आप डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार मैं आपको और करके बताता हूँ जैसे ये है ए रेस टू एम इज इक्वल टू के रेस टू एन अभी हम सिर्फ ए चाहिए हम करेंगे ए रेस टू एम होल रेस टू वन अपॉन एम दैट इज इक्वल टू के रेस टू एन दोनों का पावर हम वन अपॉन एम से बढ़ा दिया अब ये एम एम कैंसिल हो जाएगी इधर सिर्फ ए आएगा और ये होगा के रेस टू एम अपॉन एन अपॉन एम के रेस टू एन अपॉन एम क्योंकि रूल कौन सा लगाया ए रेस टू एम रूल कौन सा लगाया ए रेस टू एम दैट रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन और उसको गुना करेंगे तो एन अपॉन एम आएगा हमें के की वैल्यू निकालना है तो इसकी पावर रेस टू वन अपॉन एन कर तो, दोनों की पावर रेस टू वन अपॉन एन कर देंगे तो ये एन एन कैंसिल हो कि इधर सिर्फ के बचेगा और इधर ए रेस टू एम अपॉन एन तो ऐसा बार बार हमको ये लगेगा तो ये बार बार इतना सारा नहीं करना चाहिए इसलिए फॉर्मले फॉर्म में दे दिया है हमने आपको फिर आगे देखिएगा सपोज आपको ऐसा दिया है ए रेस्ट टू वन अपॉन एम इज इक्वल टू के मान लो दिया है तो ये एम उधर जाके ऊपर जाएगा दैट मीन ए इज इक्वल टू के रेस्टू एम होगा तो इधर से ऊपर इधर से उधर जाता है आपको कैसा आया देखना होगा तो ये दोनों की पावर जो है अब देखिए दोनों की पावर एम से बढ़ा दीजिए तो केयर इज़ टू वन अपॉन एम रेस टू एम इज इक्वल टू के रेज टू एम फिर एम एम कैंसिल हो गया ए इज़ इक्वल टू तो केयर टू एम आ गया ठीक है तो ये हम बार बार यूज़ करेंगे इसलिए पे लिख के दिखा है लिख के दिया है वैसा तो ये दस एक ही ग्रुप करके दिया उसको फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट देखेंगे फॉमूला अब ग्यारहवा फॉर्मूला ए रेस टू एम ए बाय रेस टू एम ठीक है इज इक्वल टू ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम मतलब ये है ए b बी दोनों का ये कॉमन पावर है होल रेस टू एम है तो ए रेस टू एम और बी रेस टू एम ऐसा आता ही है। ठीक है ये देखिए ए रेस टू एम इधर आया और बी रेस टू एम नीचे आया ठीक है तो यहां पर क्या है अलग अलग बेस है तो ए बाय टू एम

तो ए रेस टू एम बी रेस टू एम ऐसा होगा आपको प्रूफ चाहिए तो ऐसा देखिए सपोज a स्क्वायर या ए इंटू बी लिखता हूं मैं सपोज ए इंटू बी रेस टू एम है तो ये क्या होगा a ए बी रेस टू एम की जगह समझने के लिए आसान होना इसलिए सपोज अपन लेते ए बी रेस टू फोर ठीक है तो हमारे रूल के हिसाब से क्या होता है ए रेस टू फोर अब ए इसका पावर चार है मतलब ये चार बार है ए बी ए बी ए बी ए बी अब आप काउंट कीजिएगा ए कितनी बार है तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए रेस्ट टू फोर हो गया बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी रेस्ट टू फोर हो गया इसका मतलब गुणाकार है ये ए इंटू बी का प्रोडक्ट है रेस्ट टू पावर है तो वो इसका भी पावर और इसका भी पावर सो ए इं बी रेस्ट टू फोर इज इक्वल टू ए रेस्ट टू फोर एंड बी रेस्ट टू फोर तो चिल्ला चिल्ला रूल्स है तो ऐसे बहुत सारे आपको काम में आएगी फिर एक कॉमन जो बहुत बार लगता आपने को वो देखिएगा जैसा हमें पता है कि रूट ऑफ रूट ऑफ थर्टी सिक्स ठीक है तो अपने को मालूम है ये रूट ऑफ थर्टी सिक्स से एक सिक्स आता है बट इसको हम ऐसा भी कर सकते थर्टी सिक्स मीन नाइन इन टू फोर देन दैट इज इक्वल टू रूट नाइन इंटू रूट फोर ठीक है अब रूट नाइन होता है थ्री रूट फोर होता है टू और थ्री टू सिक्स, आ गया बराबर ठीक है फिर इसका ये नाइन इंटू फोर यदि है तो रूट नाइन इंटू रूट फोर इसका मतलब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट वाई ऐसा होता है ठीक है तो ये फार्मूला हो गया यहाँ पे लिखा रूट ऑफ ए बी यहाँ पे हमने ऐसा लिखा रूट ऑफ ए बीज रूट ए इंटू रूट बी रूट ऑफ एक्स वाई रूट एक्स इंटू रूट वाई अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन देते हैं कि सपोज हमें ऐसा लगता है खासतौर पे कॉमर्स वालों कि रूट ऑफ एक्स प्लस वाई यदि है तो दैट शुड बी इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई लेकिन ऐसा नहीं है गलत है ये ये इक्वल नहीं है रूट आप एक बार और देखिए रूट एक्स इंटू रूट वाई इज रूट एक्स रूट एक्स वाई इज रूट एक्स इंटू रूट वाई

अब रूट सिक्सटीन चार आता रूट सिक्सटीन थ्री आता फाइव इज फाइव इक्वल टू फोर प्लस थ्री नो इसका मतलब ये गलत है सभी गलत है तो ये जो रूल है रूट एक्सटिन टू वाई ये इन टू के लिए सही है गुणाकार के लिए सही है प्लस के लिए सही नहीं माइनस के लिए सही नहीं ये देखना इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसा बोलते कि स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट स्क्वायर रूट देखिए इधर स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट्स समझे स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट

अब आप बोलेंगे बापरी इतने सारे कैसे याद रखेंगे अब वो रखना पड़ेगा याद तो पहले तो पढ़ते जाओ फिर उसको अप्लाई करो तो क्या होता है कि कोई रूल हम अप्लाई करते हैं कोई रूल यदि हम अप्लाई करते हैं तो याद हो जाता है और अप्लाई करने के लिए भी याद होना पड़ता है तो ये विशेष सर्कल है यानी जब तक फॉर्मली याद नहीं तब तो तक प्रॉब्लम करते नहीं आते जब तो तक प्रॉब्लम नहीं करते तब तो तक फॉर्मली याद नहीं होते तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है तो इसके लिए की ही है कि फॉर्मूले की लिस्ट आप रखो पढ़ते जाओ और प्रॉब्लम करते समय उसको यूज़ करते जाओ और धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम की तो फार्मूले अपने आप याद होते होते जाते हैं तो बेसिकली याद करना पड़ेगा बट प्रॉब्लम पहले करते जाओ तो उसके साथ फॉर्मूले मैं याद दिलाते जाऊंगा आपको करते जाओ बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब जब पार चैप्टर ये जब खत्म होतेगा यानी बिफोर वी स्टार्ट एग्जाम क्वेश्चंस तब तक के कम से कम आपका ये पूरा याद हो जाना चाहिए फॉर्मुली तब तक के तो आज के डेट में पहले आप इतने तो भी फॉर्मूले कम से कम ध्यान रखो कि ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन देन ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल माइनस एन इतने तो भी याद रखो कम से कम मिनिमम आज के लिए बाकी बाद में याद करो कम से कम तीन चौथा ए रेस टू जीरो इज वन पाँचवा एरेस टू एम इक्वल टू तो वन अपन एरेस टू माइनस एम मिनिमम इतने आज के लिए याद करो चार पांच बाकी तो लिख के दिए आप करना है ठीक है तो थोड़ा सा चलो कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स अब जो पढ़े अपन ने उसको अप्लाई करना है अब देखिए पहला प्रॉब्लम है एक्सरेस टू वन थ्री ये प्रॉब्लम पड़ी

आप इसको दोनों को सेपरेटली करिए टू रेस टू ऐसा भी कर सकते टू रेस टू थ्री दैट रेज टू वन थर्ड तो एम एम एन हो जाएगा और ये थ्री रेस टू थ्री दैटरेज टू वन थर्ड रूल क्या लगाया ए अपॉन बी ऐसा रूल लगाया ए अपॉन बी होल रेस टू एम इज इक्वल टू तो ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम एंड ए रेस्ट टू एम दैट रेस टू इज ए रेस टू एम एन तो ये होगा थ्री थ्री कैंसल इधर थ्री थ्री कैंसल तो आंसर आ गया टू बाई थ्री समझा के देखो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि यह टू रेस्ट टू थ्री अपॉन थ्री रेस्ट टू थ्री और होल रेस्ट टू वन बाय थ्री यह ए रेस्ट टू एम अपॉन बी रेस टू एम यह ए रेस्ट टू एम अपॉन बी रेस टू एम तो ये होगा ए बाय होल रेस टू एम सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि टू बाय थ्री रेस्ट टू थ्री और दैट रेस्ट टू वन बाय थ्री हम अब रूल लगाएंगे ए रेस टू एम दैट रेस टू एन इज ए रेस्ट टू एम एन तो टू बाय थ्री रेस टू थ्री इन टू वन थर्ड और थ्री थ्री कैंसल फाइनल आंसर टू बाई थ्री तो ये वो आंसर। अब ये आपने को ओरली आना चाहिए ये जो है आपको ऐसी कुछ दिन के बाद जो है ये ओरली आना चाहिए पर्टिकुलरली कॉमर्स वाले ध्यान रखो अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू यहां पे लिखा है इधर लिखता हूं मैं 81 वन x रेस टू फोर अपॉन वायरेस टू माइनस एट ठीक है एटी वन एक्स रेस टू फोर अपॉन वायरेस टू माइनस एट ठीक है अब <coughs> ये जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते एटी वन एटी वन क्या है ये थ्री रेस टू फोर है थ्री इंटू थ्री नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री तो तीन 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 चार बार गुणा करेंगे तो थ्री एस टू फोर आता है फिर एक्स रेस टू फोर और फिर वायर एस टू माइनस एट है वायरस टू माइनस एट जो ऊपर लेंगे तो पता है ये होगा वायरस टू प्लस एट हो जाएगा वायरस टू प्लस एट हो जाएगा ठीक है तो इतना आ गया थ्री रेस टू फोर एक्स रेस टू फोर वायरस टू प्लस एट ठीक है वायरस एस टू रेस टू वन बाय फोर कह के लिए आया है ये तो गड़बड़ है कुछ तो भी प्रॉब्लम में गड़बड़ है एक बार मैं देख लेता हूँ ये नहीं है को, कोई तो गड़बड़ है इसमें चलो छोड़ो तो इतना ही आएगा एक्स रेस टू थ्री रेस टू फोर थ्री रेस टू फोर एक्स रेस टू फोर अपॉन वाई रेस टू इतना ही आंसर आएगा ये माइनस वन बाय फोर कुछ तो भी गड़बड़ है इसको काट दो ये जो है ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि देखिए थ्री रेस टू फोर एक्स रेस टू फोर अपॉन वायरस टू माइनस एट वायरस टू माइनस एट मतलब ऊपर आएगा वायरस टू प्लस एट ठीक है यही करेक्ट है डेट्स इट चलो ठीक है अब इसमें ऐसा आपको यदि इसको अभी अब मान लो इसमें से चार 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 रेस टू फोर है सबको फोर कर देते हैं नहीं तो ऐसे ही रखो ना चलो ठीक तो ये हुआ अंदर एग्जाम्पल फिर आगे चलते हैं अब कुछ ट्रिक्स वाले हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट जो करना पड़ता है वो तो पहले प्रॉब्लम मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा बाद में शॉर्टकट लगाऊंगा ठीक है तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके बताता हूँ ऊपर वाला इसको इसको अपन सॉल्व करते हैं पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं अब दिक्कत जगह कर लिया मैं थोड़ी सी बोर्ड के ऊपर अब देखिए ये जो है इसको सॉल्व करना है इसका आंसर कितना आता तो देखना है पहले देखिए ये ये है x रेस टू a अपॉन x रेस टू b तो ये होगा x रेस टू a b वैसे ये होगा x रेस टू b c ये होगा x रेस टू c c और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सो दिस मैं राइट आई राइट लाइक दिस इक्वल टू yoga x raised to a minus b and that raised to that raised to a square plus a b plus b square similarly yoga x raised to b minus c and that raised to b square plus b c plus c square again into x raised to c minus a and that raised to c square plus ca plus a square अब आपको रूल मालूम है क्या रूल मालूम है ए रेस टू एम एनवल प्लस प्लस ए बी प्लस बी स्क्र दूसरा ब्रैकेट सिमिलरली इन टू एक्स रेस टू ये होगा so uh, यहाँ पे देखिए बी माइनस सी इन टू इतना सो so दिस इसका गुणाकार मतलब

इज माइनस बी इन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है तो ए क्यू माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी और यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन सी दैट ए क्यू प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इज बी क्यूब माइनस सी क्यूब दिस इज सी क्यूब माइनस ए क्यूब तो इसको लिखते हैं दिस इज इक्वल टू एक्सरेस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स एक्सरेस टू बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स रेस टू सी क्यूब माइनस ए क्यूब अब दिस इज नथिंग बट एक्स रेस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब कौन सा रोल लगाया ए रेस टू एम ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम प्लस एन तो यहाँ पे ए रेस टू एम ए रेस टू एन A P, तो ये तीनों की टोटल होंगी एक्सरेस टू तीनों की टोटल अब आप देखिए ये प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसल माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसल टू वन पढ़ा है तो इसका आंसर हो गया वन तो एक बार आप समझ लीजिए क्या किया हमने एक बार समझाता हूँ एक्सरेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी तो ये होगा एक्सरेस टू ए माइनस बी और इंटू ये है तो फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट करेंगे तो ए माइनस क्योंकि की ए रेस टू एम दैट रेस टू एन इज ए रेस टू एम एन फिर इस इतना ही देखिए ए माइनस ये फार्मूला है क्या फार्मूला है कि ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बीस प्लस बी स्क् ए क्यूब माइनस बी क्यूब सो दिस बिकम सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब सिमिलरली दिस बिकम्स बी क्यूब माइनस सी क्यूबिस बिकम्स सी क्यूब माइनस ए क्यूब और इन सबको जोड़ेंगे मतलब एक्सरेस टू एम इन टू एक्सरेस टू एन इज एक्सरेस टू एम प्लस एन तो उसको जोड़ेंगे तो ये सारे कैंसिल होते हैं दैट इज इक्वल टू अब ये यदि मान लो आपका ग्यारहवीं बारहवीं का रूटीन एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो फिर उसमें ये सब इस तरह से करना पड़ेगा लेकिन हम आपको इतना पॉसिबल नहीं वहाँ पे एग्जाम में करना तो ट्रिक है इसमें ट्रिक ये है कि कोई चीज़ यदि साइक्लिकल है तो उसका आंसर वन आता है बस खत्म क्योंकि अब ये साइक्लिकल है देखो ए यहाँ पे साइक्लिकल कैसा है देखिए ए अपॉन बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बी अपॉन सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्र फिर से सी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर मतलब ये जो है ये पावर सारे जो है ये साइक्लिकल है और साइक्लिकल है तो वो पावर की टोटल जो है ये पावर, पावर की टोटल जीरो आती है और इसलिए आंसर वन आता है तो इसके बाद यदि ऐसे साइक्लिकल क्वेश्चन आए तो हम या तो सॉल्व करके पूरा वन निकाले या हमें पता है कि साइक्लिकल है तो इसका आंसर 1 आता है तो वन पे टिक लगाएंगे खत्म इसका मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा है आंसर इतना टाइम लगता लेकिन हमें आदत हो जाती है कि ये साइक्लिकल है तो आंसर 1 आता है अब साइक्लिकल यहाँ पे हमने अलग-अलग साइक्लिकल बता दिए हैं आपको आप देख सकते हैं साइक्लिकल फिर से मैं इसको ऊपर लेता हूं देखिए साइक्लिकल क्या क्या होता है साइक्लिकल क्या क्या होता है वो देखिए देखिए कि जैसे ये ए माइनस बी साइकिल है ये देखिए ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इसको जोड़ेंगे आप तो ये क्या होगा माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए सब कुछ कैंसिल होके जीरो आएगा वैसे इसको भी आप देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस करेंगे तो ए बी माइनस बी सी ए बी माइनस ए बी सारे कैंसिल होंगे ये भी जीरो आएगा ये भी देखिए माइनस बी स्क्र बी स्क्वायर माइनस सी स्क्र सी स्क्वायर माइनस फिर सेवाकली कल है जीरो आता है वैसा अभी आप अपन ने किया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब सी क्यूब प्लस ए क्यूब ये बराबर टोटल जीरो आती है तो ये सारे ऐसे साइक्लिकल के एग्जाम्पल है कि ऐसे बहुत सारे अपने को प्रैक्टिस से पता चलेगा साइक्लिकल आया तो हमें देखना क्या है कि यदि साइक्लिकल पावर्स है पावर से यदि साइक्लिकल है तो उसकी टोटल वन आती है और गुणाकार करने के बाद सब वन जीरो आ जाता है और एनीथिंग थिंग रिस्ट जीरो इज इस वन इसलिए आंसर वन आता है तो जहाँ भी प्रॉब्लम है साइक्लिकल चीज दिखे तो इमीजिएट आंसर में टिक वन लगाने का आप चाहे तो कर भी सकते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे मैं एक हद दो और करके बताऊंगा, बट हर एक नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम में भी आपको करना नहीं है एग्ज़ाम में ऐसा करते बैठे तो बहुत टाइम लगेगा प्लस ज़रूरत भी नहीं कागज़ भी नहीं देते इतना दे डोंट ग्यू पेपर एक पेपर देते मेरे ख्याल से वो बस उतने में आपको काम करना पड़ता है ठीक है तो ये पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पर तो हम सीधा बोलेंगे कि भैया ये तो साइक्लिकल है देखो हम कैसा करेंगे ये सब साइक्लिकल दिख रहा है ए बाई बी 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 फिर बी बाई सी फिर सी बायर ए बी बी स्क्वायर मतलब सब साइक्लिकल है तो ये आंसर वन आएगा सीधा खटक से वन लिखेंगे हम इतना करेंगे अब नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर टू अब ये भी देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे देखेंगे वन अपॉन वन प्लस जेड रिस्ट ए माइनस बी जेड ए माइनस सी फिर अगेन वन प्लस सी जेड टू बी माइनस ए फिर अगेन वन प्लस जेड रेस सी माइनस जेड रेस सी बाई बी तो ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी साइक्लिकल है इसका आंसर आएगा वन टिक लगाने का फिनिश एक एक मार्क देखने से ही पता चलता एक मार्क अब आप बोलेंगे तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं बट दिस लास्ट क्वेश्चन आई विल सॉल्व विल जस्ट इट इज साइक्लिकल आई विल जस्ट टिक वन एंड गो अहेड तो इसको मैं करके बताता हूँ एक और कि आता कि नहीं सच में वन तो ठीक है देखिए ये क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है अब आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये ए माइनस बी है ये ए माइनस सी है ये बी माइनस सी बी माइनस ए है ठीक है तो हम क्या करते हैं इसको तो ये ए है इसको वन मतलब ए माइनस ए लिख सकते हैं अपन वन मतलब ए माइनस ए लिख सकते हैं तो मैं इसको वन मतलब क्या होता देखो वन आप देखो वन वन कैन बी रिटनेस

वैसे यहाँ पर ये यह बी बी दो बार है तो यहाँ बी माइनस बी लिखूंगा यहाँ पे सी सी दो बार है तो यहाँ पे सी माइनस सी लिखूंगा तो आई कैन राइट नाउ दिस आई कैन राइट लाइक दिस ये क्वेश्चन हम ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन वन की जगह ये जो वन है उसके जगह जेड रेस टू जेड रेस टू ए माइनस ए प्लस जेड रेस टू ए माइनस बी प्लस जेड रेस टू ए माइनस सी इतना लिख लिया प्लस दूसरा देखिए वन अपॉन इसको हम लिख सकते हैं जेड रेस टू बी माइनस बी प्लस जेड रेस टू जेड रेस टू बी माइनस सी प्लस जेड रेस टू बी माइनस ए प्लस तीसरी टर्म है तीसरी टर्म में आप देखेंगे यहाँ पे सी सी दो बार है तो इसको ए वन को हम सी माइनस सी लिखेंगे यानी एक्स रेस जेड टू z रेस टू सी माइनस c प्लस z रेस टू सी माइनस a प्लस z रेस टू सी माइनस b ऐसा लिख दिया हमने अब आप देखिएगा कि ये z रेस टू ए इसमें से जो है z रेस टू ए कॉमन निकाल सकते पहले में से ये पहला जो टर्म तो है इसमें z to a, z to a, z a a तो नीचे से हम कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा वन अपॉन z रेस टू ए कॉमन निकाला तो ये बचेगा जेड रेस टू माइनस ए प्लस जेड रेस टू माइनस बी प्लस जेड रेस टू माइनस सी इतना बचा वैसे प्लस इसमें से भी देखिए जेड रेस टू माइनस बी जेड रेस टू बी जेड रेस टू बी कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा वन अपन वन अपन जेड रेस टू बी इन टू ब्रैकेट जेड रेस टू माइनस बी प्लस जेड रेस टू माइनस सी प्लस जेड रेस टू माइनस ए प्लस तीसरा वाला जो है वन अपन यहाँ पे तीसरे में से ये सी सी z रेस टू सी निकालेंगे तो z रेस टू सी कॉमन z रेस टू सी कॉमन z रेस टू माइनस सी प्लस जेड रेस टू माइनस ए प्लस रेस टू माइनस अब आप देखेंगे तो ये तीनों में यहाँ पे ये सेम चीज़ है ये वन अपॉन z रेस टू माइनस ए जेड रेस टू माइनस बी जेड रेस टू माइनस ये ये और ये सब सेम है तो तीनों में से हम वो कॉमन निकाल लेते हैं क्या कॉमन निकाल दें z to, z to, one upon z a b c हम कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है देखो यहाँ बचेगा वन अपॉइंटेड रेस टू a प्लस यहाँ बचेगा वन अपॉइंटेड रेस टू b प्लस यहाँ बचेगा वन अपॉइंटेड रेस टू c इतना ही बचेगा ठीक है तो आप अब देखिएगा तो इसको वन लाने का है ना अपने को तो इसको अभी आ, कैसे करेंगे ऐसा नहीं करेंगे थोड़ा सा गलत हुआ थोड़ा दूसरे एंगल से करेंगे देखिए ये वन अपॉन जेड रेस टू ए है इसको हम ऊपर ले लेंगे तो ये जेड रेस टू माइनस ए हो जाएगा ये समझा ये वन अपॉइन्टेड टू इज इक्वल टू जेड रेस टू माइनस ए तो मैं वहीं के वहीं करेक्शन करता हूँ सो दिस विल बिकम जेड रेस टू माइनस ए जेड रेस टू माइनस सी फिर वैसे ही देखिए वन अपॉन रेस टू बी है तो ये ऊपर आएगा तो z रेस टू माइनस बी होगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं रेस टू माइनस बी वैसे ये रेस टू सी है ये ऊपर आएगा रेस टू सी है ये ऊपर आएगा तो रेस टू माइनस सी होगा तो उसको ऊपर कर लेते हैं पहले तो मिटा देते नीचे से और ऊपर आएगा z रेस टू माइनस सी अब आप देखेंगे तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन न्यूमरेटर कैन बी एडेड सो दिस विल बी कम z रेस टू माइनस ए प्लस z रेस टू माइनस बी प्लस z रेस टू माइनस सी डिवाइडेड बाय z रेस टू माइनस ए प्लस जेड रेस टू माइनस बी प्लस जेड रेस टू माइनस सी अब सेम सेवन न्यूमेटरी डोमेट्र इसलिए आंसर वन आ गया अब देखिएगा आप तो ये जो है ना इतना शाम तक के का हम कैलकुलेशन करने के बाद वन हम तो वैसे ही बताए थे कि भाई ये साइक्लिकल है आंसर वन तो जब भी साइक्लिकल है तो आंसर वन आप करना चाहे तो करके देख सकते बट एग्जाम में करने की जरूरत भी नहीं है और जोटा एग्जाम खड़ा खड़ टिक लगाने का है आपको कर रहे बहुत टाइम लगेगा ठीक है तो इतवा सिंपल अब आप देखिए कितना सिंपल हो जाता देखो यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है वो करेक्शन कर लेना

करके देख सकते हो मैंने करके देखा हूँ ये यह यहाँ पे किया हुआ है तो एग्ज़ाम में आपको जरूरी नहीं है तो आंसर सीधा वन पे टिक लगाइए आंसर कितना जल्दी हुआ आप अच्छा चाहे तो उसको पॉज करके लिख लीजिए और कर सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है मैंने पूरा किया हुआ है बट एग्जाम में ज़रूरी नहीं इसलिए आप नहीं समझा तो फिर पूछिए खैर तो आपको एग्जाम में क्या करना है साइकलीगल है तो वन टिक लगाओ आगे चलो नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए आप ये वन प्लस एक्स है आंसर लगाओ क्वेश्चन एक तैयार हो गया वैसे इतना बड़ा है वो बट ये मैंने किया हूँ कैसा किया है तो देख लीजिए आप आप चाहे तो ये क्वेश्चन है ये पहले तो क्वेश्चन लिखा फिर ये वायरेज टू माइनस वन है तो हम वायरस टू प्लस वन से सबको एट्लाई किया नीचे ऊपर तो y एस टू प्लस वन मतलब y फिर इसको y मटला एक्स इंटू वाई और y एस टू माइनस वन इंटू वायर एस टू प्लस वन वायर एस टू जीरो वन आएगा सिमिलरली इसको इसमें क्या है टू टू माइनस माइनस है Z है, Z है तो जेड रेस टू माइनस होने से अब हमने कुछ नहीं किया वैसे ही रखा यानी ये एज इट इज रखा ये एज इट इज रखा ठीक है आपको दिया क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू वन दिया है क्या दिया एक्स वाई जेड इक्वल टू वन तो यहाँ पे जेड रेस टू माइनस वन जो है जेड रेस टू माइनस वन इसके लिए हम एक्स वाई लिख सकते हैं जेड रेस टू माइनस वन क्योंकि ये समझिए आप क्या दिया आपको एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इक्वल टू वन दिया है हमें चाहिए जेड रेस टू यहाँ पे जेड रेस टू माइनस वन है तो ये जेड इधर ले लो तो एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू जेड रेस टू माइनस वन हो जाएगा तो जेड रेस टू माइनस वन की जगह ये जो है जेड इज टू माइनस वन है उसके जगह हमने एक्स वाई लिख दिया देन यहाँ पर है वन प्लस हम क्या कर रहे हैं जेड निकाल डाल रहे हैं इसमें से दो ही रहेंगे फिर Z निकाल डालेड इज इक्वल टू क्या आता है तो आपको देखिए एक्स वाई फिर से देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू वन हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे जेड की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे अपॉन एक्स इन वाई देट मीन्स दू कैन राइट दिस एज जेड रेस टू माइ एक्स रेस टू माइनस वन और वाई रेस टू माइनस वन तो यहाँ पे जो है ये जो जेड रेस टू माइनस वन है सॉरी ये जेड इज इक्वल टू हमने ये लिखा एक्स रेस टू वन माइनस वन वाई रेस टू माइनस वन और फिर ये एज इट इज है और फिर ये तो हो गया फिर यहाँ पे जो है ये ऐसे ही रखा और यहाँ पे एक्स रेस टू वायनस वन वायरस टू माइनस वन इसलिए एक्स वाई से मैं टलाय गया तो सब ऊपर नीचे तो वन इंटू एक्स वाई एक्स वाई वन इंटू एक्स वाई एक्स वाई अब रेस टू वो माइनस वन टू माइनस वन इंटू एक्स वाई करेंगे तो एक्स वायरेस दोनों का जीरो आएगा यानी वन हो जाएगा और ये करके बताता हूँ लगे तो आखिरी वाला एक्सरेस टू माइनस वन क्या करना है एक्सरेस टू वाई वा एक्सरेस टू वन वायरेस टू वन से करना है, तो एक्सरेस टू वन टू वन यानी एक्सरेस टू जीरो आएगा इंटू टू वन यानी सिर्फ वाई बचेगा तो इस तरह से अभी आप देखेंगे आप डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो नीचे सेम और ऊपर भी वन प्लस वाई प्लस एक्स वाई तो वन अपॉन वन इक्वल वन अब आपको ये जस्ट फॉर इंटरेस्ट मैंने करके बताया आपके इंटरेस्ट के लिए वैसे ये डायरेक्टली हमें पता है कि आप तो एग्जाम में तो कभी करेंगे ही नहीं ऐसा सीधा आपको पता है कि ये जी साइक्लिकल है तो आंसर वन आता है टिक लगाओ घर चलो सिंपल एक मार्क मिल गया ठीक है तो देन तो आज हम पहले इतना पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए आप तो पहला ही टाइप का प्रॉब्लम हो गया कि साइकिलिकल है तो आंसर वन आता है इतना सिंपल और फॉर्मूले याद करो काफ़ी टाइम सवा ऑलमोस्ट सवा घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पहला लेक्चर बाक़ी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चलिए